हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 और सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर 2 हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनाइज फ्रेंड ऑन फ्लोई है उसका हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो देखिए, पहला जो एक्सरसाइज हमारा जो पहला है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें जो ब्लैंक्स जगह है उसको फिल करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता अपना, माइक्रो ऑर्गेनाइज कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, तो यानी कि माइक्रो ऑर्गेनाइज को किसकी सहायता से अपन देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसकी सहायता से देख सकते हैं अपन, तो माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इनको देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी किसको फिक्स करती है, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट बदल देती है। तो किसको फिक्स करती है, नाइट्रोजन को। नेक्स्ट तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, यानी कि सी नंबर का क्वेश्चन है, एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प, यानी कि एल्कोहल बनाने के लिए हम शुगर में क्या मिलाते हैं ताकि एल्कोहल प्राप्त हो, तो हम मिलाते हैं उसमें यीस्ट मिलाते हैं। तो वी मिक्स यीस्ट इन शुगर, यानी कि यीस्ट का उपयोग करते हैं। यीस्ट क्या है, एक प्रकार की फंगी है। देखिए, कोलेरा इज कॉज्ड बाय, तो कोलेरा किसकी वजह से होता है, विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया की वजह से। तो विब्रियो कोलेरी एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कोलेरी। नेक्स्ट देखिए हमारा है टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि हमें सही आंसर पर टिक करना है। तो पहला जो हमारा है, यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि यीस्ट का जो उपयोग हम किसके प्रोडक्शन में करते हैं, तो शुगर के प्रोडक्शन में नहीं करते हैं। एल्कोहल के प्रोडक्शन से, बिल्कुल एल्कोहल के प्रोडक्शन में हम किसका उपयोग करते हैं, यीस्ट का। एल्कोहल बनाने के लिए अपन यीस्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक कौन कौन है इनमें, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट नहीं है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल और यीस्ट। तो कौन है इसमें, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जैसा कि मैंने बताया टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, दैट ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक खोज किसने की थी, पेनिसिलिन नोटेटम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। देखिए सी नंबर का जो क्वेश्चन अपना, कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोआ, कौन सा प्रोटोजोन्स जो है जो मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि वाहक का कार्य करता है। तो पहले में ही अपना आंसर दिया हुआ है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, यानी कि जो एनोफिलीज मॉस्किटो है उसकी जो फीमेल प्रजाति है उसका मॉस्किटो की लार के अंदर कौन सा प्रोटोजोन पाया जाता है, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, जो सामान्यतः जो कम्युनिकेबल डिसीज होती है उसमें अधिकांश किसकी वजह से जो बीमारियां फैलती हैं, तो आंट नहीं, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर, तो हाउस फ्लाई यानी कि हमारे घर की जो घरेलू मक्खी है उसके कारण सामान्यतः बीमारियां फैलती है। अगला आता द ब्रेड और इडली डफ राइज बिकॉज ऑफ, तो जो ब्रेड और इडली वो उनकी जो आकार क्यों ग्रोथ कर जाता है, क्योंकि हीट, हीट की वजह से नहीं, ग्राइंडिंग यानी कि पीसते उसकी वजह से नहीं, ग्रोथ ऑफ यीस्ट और नीडिंग, तो ग्रोथ ऑफ यीस्ट, हम उसमें यीस्ट मिलाते हैं तो यीस्ट ग्रोथ करते हैं जिससे उनका आकार बढ़ जाता है और वो फूल जाते हैं। देखिए एफ वाला, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल का शुगर में बदलने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ये कहलाती है बेटा फर्मेंटेशन, यानी कि एल्कोहल का शुगर में बदलना क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन, इसको हम सामान्य भाषा में किण्वन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैच द ऑर्गेनाइज्ड इन कॉलम ए विद देयर एक्शन कॉलम बी, यानी कि हमारा जो ऑर्गेनाइज्ड इनका एक्शन कॉलम बी में हमें मैच करना है। तो पहला है बैक्टीरिया, तो देखिए बैक्टीरिया का संबंध नाइट्रोजन फिक्सिंग, सेटिंग ऑफ कर्ड, बेकिंग ऑफ ब्रेड, कोजिंग ऑफ मलेरिया, कोजिंग ऑफ कोलेरा, तो बैक्टीरिया तो इसमें आएगा आपका कोजिंग ऑफ कोलेरा, कोजिंग ऑफ कोलेरा। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु है क्या कार्य करता है, दूध को दही में बदलने का काम करता है, यानी कि सेटिंग ऑफ कर्ड में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा आता है यीस्ट, तो यीस्ट जो है, यीस्ट क्या कार्य करता है, देखिए इसमें बेकिंग ऑफ ब्रेड, यानी कि बेकिंग ऑफ ब्रेड में हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ए प्रोटोजोन, प्रोटोजोन में कौन है, मलेरिया, मलेरिया एक प्रकार का, मलेरिया में उस प्रोटोजोन का नाम आपको अभी बताया था प्लाज्मोडियम।
आगे देखिए वायरस, तो वायरस क्या है, जो कोजिंग ऑफ एड्स, जो एड्स की बीमारी होती है उसका जो वायरस है HIV, उसका पूरा नाम है ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स बीमारी जो है उसका पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कैन माइक्रो ऑर्गेनाइज्म बी सीन विद द नेक्ड आई, क्या जो सूक्ष्म जीव है इनको अपनी नग्न आंखों से, यानी कि विदाउट कवर्ड ऑफ ग्लास या माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास की हम देख सकते हैं बिना इसके? तो देखिए, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, अगर इनको बिना नेक्ड आई के नहीं देख सकते तो किसके साथ से देख सकते हैं? तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनाइज कैन बी सीन विद द नेक्ड आई, तो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म कैन नॉट सीन विद द नेक्ड आई, यानी कि नेक्ड आई द्वारा इनको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो इनको इफ नॉट, अगर नहीं देख सकते हैं, अभी हमने बोला नहीं देख सकते हैं, तो हाउ कैन दिस बी सीन, इनको कैसे देखा जा सकता है? तो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म्स कैन बी सीन द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाई ग्लास, यानी कि मैग्नीफाई ग्लास या माइक्रोस्कोप की सहायता से इनको अपन देख सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपका चौथे नंबर का। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनाइज, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनाइज के जो मेजर ग्रुप क्या क्या हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनाइज में। दूसरा नंबर पे आता है एल्गी, तीसरे पे है प्रोटोजोआ, और फिर है फंगी, यानी कि ये चार जो माइक्रो ऑर्गेनाइज में है ये क्या है, लिविंग है हमारी बॉडी के अंदर और बाहर दोनों। लेकिन जो पांचवें नंबर का जो है वो है वायरस, तो वायरस क्या है, वायरस आउट ऑफ बॉडी नॉन लिविंग है, इसको जब हमारी सेल्स के अंदर ये एंट्री मारता है, तो होस्ट के अंदर एंट्री मारता है तो ये लिविंग हो जाता है, तो आउट ऑफ बॉडी क्या है, ये नॉन लिविंग, इसलिए इसको बोलते हैं बॉर्डर ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की बॉर्डर, यानी कि इसको श्रृंखला भी बोलते हैं, दोनों के बीच की कड़ी बोलते हैं, योजक कड़ी, क्योंकि दोनों के करेक्टर्स रहते हैं इसके, हमारी बॉडी से बाहर ये नॉन लिविंग है और बॉडी के अंदर लिविंग हो जाता है। देखिए बैक्टीरिया भी बहुत सबसे छोटा इसमें वायरस है, इसको जो नापते अपन नैनोमीटर में, तो बैक्टीरिया की कमी से होने वाले रोग आपको बताए रखे हैं, बैक्टीरिया की कमी से टाइफाइड हो सकता है, विब्रियो कोलेरी यानी कि कोलेरा हैजा हो सकता है, टाइफाइड हैजा TB माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये तीन रोग आपको बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं। अगला है एल्गी एक्वेटिक एनिमल एक्वेटिक ऑर्गेनाइज्म है, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर होते हैं, वॉलवॉक्स हैं, कारा हैं, स्पायरोगायरा हैं, देट आर एग्जाम्पल। अब एल्गी जो होते हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि फंगिस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। प्रोटोजोआ ऐसे सूक्ष्म जीव जो सिंगल सेलर्स होते हैं और प्रोटोजोन्स होते हैं, जैसे अमीबा हैं, प्लाज्मोडियम्स हैं, पैरामीशियम है, ये प्रोटोजोन्स हैं। फंगीज ऐसी जो ऑर्गेनाइज्म होते हैं, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, यानी इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सब क्या है, इसके अंदर आते हैं, किसके अंदर, फंगस के अंदर। वायरस तो बहुत ही सबसे छोटा सूक्ष्म जीव है, जो आउट ऑफ बॉडी क्या है, नॉन लिविंग है, बट इट एंटर इन होस्ट सेल, इट जर्मिनेट, और ये हमारी सेल्स के अंदर एंट्री मारने के बाद ग्रोथ करने लग। वायरस से होने वाले विभिन्न रोग, तो देखिए वायरस से क्या क्या रोग हो सकते हैं, तो वायरस से एड्स, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सब वायरस से होने वाले रोग है। हमारा कॉमन कोल्ड है वो भी वायरल डिसीज है। नेक्स्ट देखिए,
नेम द माइक्रो ऑर्गेनाइज विच कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोइल, यानी कि हमारी सोइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले माइक्रो ऑर्गेनाइज तो कौन है, उन वो राइजोबियम, जो राइजोबियम जो जीवाणु है वो क्या करता है, इट फिक्स नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट नाइट्रोजन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू नाइट्रेट और नाइट्रेट टू प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट एंड एनहेंस द मिनरल्स एंड एनहेंस द फर्टाइल्स नाइट्रेट और नाइट्राइड और टू मेक प्लांट्स दिस नाइट्रेट एंड नाइट्राइड टू यूज प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स फॉर्मेशन में ये इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए जो वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट एंड नाइट्राइड में और नाइट्रेट और नाइट्राइड में बदल देते हैं, कौन बदल देते हैं नाइट्रेट में कौन बदलते हैं राइजोबियम। अब राइजोबियम्स कहाँ पाए जाते हैं, तो राइजोबियम्स आर लाइव इन द रूट नूडल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स, जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं फलीदार पौधे होते हैं उनकी लेग्यूम्स यानी कि लेग्यूम्स प्लांट की रूट नूडल्स में जड़ें जो होती हैं उनकी जड़ें उनकी गठनों में ये पाए जाते हैं और वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्राइड में बदल के पेड़ पौधे के लिए नाइट्रेट प्रोवाइड करते हैं और नाइट्रेट का उपयोग वो किसको बनाने में करेगा, प्रोटीन्स को बनाने में करेगा। राइजोबियम्स किन किन के अंदर पाया जाता है, बीन्स हैं आपके, ग्राम्स यानी कि चना है, पी है, उन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं यानी कि जिनमें भी फलियां बनती है उनमें। नेक्स्ट तो ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। 7वां क्वेश्चन, राइट द लाइन्स यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनाइज अवर लाइफ, यानी कि इन माइक्रो ऑर्गेनाइज की हमारे जीवन में क्या यूजफुलनेस है, क्या फायदे हैं, तो बहुत सारे फायदे हैं। देखो इधर एंटीबायोटिक बनाने में हम इनका उपयोग करते हैं, फंगस का पहली जो एंटीबायोटिक आपको बताई रखी मैंने, पहली एंटीबायोटिक एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन यानी कि फंगी से प्राप्त करी, पेनिसिलिन नोटेटम फंगी से, तो पहला उपयोग यानी कि हमारे मेडिसिनल्स के अंदर इसका यूज करते हैं। दूसरा उपयोग हमारा देखिए जो हमारे एनवायरनमेंट के क्लीनर भी होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनाइज क्या होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के क्लीनर होते हैं। अगला हमने राइजोबियम जीवाणु अभी पढ़ाई है, ये फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, फर्टाइल बनाता है हमारी मृदा को, तीसरा उपयोग ये हो गया। अगला है हमारी इंडस्ट्रीज में भी हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे शुगर से एल्कोहल बनाने में हम यीस्ट का उपयोग करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे यूजेज हैं हमारे दैनिक जीवन में इन माइक्रो ऑर्गेनाइज का। हमारे घरेलू जीवन में भी हम इनका काफ़ी उपयोग करते हैं, इडली डोसा वगैरह बनाने में हम इनका उपयोग करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे यूजेज हैं, मैनी यूजेज, जैसे बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करता है, दही बनाने में काम में लेते हैं, यानी कि मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड बाय द यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, यानी कि बहुत सारे यूज हैं एंटीबायोटिक बनाने में, हमारे जो दूध को दही में बदलने में, शुगर से एल्कोहल बनाने में, हाँ मिट्टी की फर्टिलिटी के अंदर, तो ऐसे बहुत सारे यूज हैं किसके, माइक्रो ऑर्गेनाइज के। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसके जो मैंने बताया वो आप लिख सकते हो, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो। तो हार्मफुल इफेक्ट भी बहुत सारे हैं, इनकी वजह से हमारे जो चमड़ा वगैरह या जो लेदर्स वगैरह वो बर्बाद हो जाता है। दूसरा उपयोग इनका, ये हमारे दे आर कॉजेज ऑफ मैनी डिसीज, यानी कि ये विभिन्न प्रकार की जो रोग हैं उनके कारक भी होते हैं, और दे आर हार्मफुल फॉर अस, ये हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, और दे इन्फेक्टेड आवर फूड प्रोडक्ट, ये हमारे फूड प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं और पॉइजनिंग कर देते हैं, इसलिए हम इसका पाश्चराइजेशन करते हैं, यानी कि ये हमारे दूध वगैरह उसको भी ख़राब कर देते हैं, ये हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं, हमारे कपड़े कॉटन्स वगैरह के कपड़े हैं उनके ऊपर फंगस लग जाती है वो उसको ख़राब कर देती है, और दे आर कॉजेज मैनी डिसीजेज, ये विभिन्न प्रकार के रोग को भी फैलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट है अपना व्हाट आर एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक क्या है, तो एंटीबायोटिक्स आर ए मेडिसिंस, ये एक प्रकार की मेडिसिन है, दे कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनाइज, ये माइक्रो ऑर्गेनाइज की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, और उनको दे किल या इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनाइज, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनाइज को ये किल कर देते हैं, और इसके बहुत सारे यूज हैं, एंटीबायोटिक या बैक्टीरिया के ऊपर कार्य करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एमोक्सिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, दैट आर ऑल द एग्जांपल ऑफ एंटी
बायोटिक, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन से, यानी कि जब भी डॉक्टर्स के पास अपन जाते हैं तो बायोटिक जो बीमारियाँ बैक्टीरिया की वजह से जो रोग होते हैं उन रोग को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या देता है, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स हो गया। प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स का टेकन करने से पहले हमें क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, तो इसको हाई अमाउंट में नहीं लेना चाहिए और एंटी वायरल रोगों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नॉट टेकन फॉर एंटीवायरल डिसीज, यानी कि वायरल डिसीज में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। वायरल डिसीज में हमें एंटीवायरल का यूज करना चाहिए, जबकि बैक्टीरिया से जो फैलने वाली रोग है उनके लिए हमें किसका यूज करना चाहिए, एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक हमारे दो तीन एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन, दे एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास, इसके सहारे से आप अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।